हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आइए आज बनाते हैं बिना प्याज वाली सब्जी। इसके लिए हमने सारी चीजें इकट्ठा कर रखी है। तो यहाँ पर हमने कद्दू लिया है, लगभग 250 ग्राम कद्दू है, बड़े टुकड़े में कटा हुआ। एक लार्ज साइज टमाटर है जिसे चॉप कर लिया है। दो तीन टुकड़े हरी मिर्च की है, एक दो तेजपात है। यहाँ पर तीन मुट्ठी इस तरह से हमने दाल की लिया है, जिसमें मसूर की दाल है, मूंग की दाल है और चने की दाल है, जो कि बस थोड़ा सा है। यहाँ पर कुछ हरे पत्तेदार चीज़ें हैं और पाउडर मसाले हैं। तो ये है कच्चे लहसुन का पत्ता, बहुत हेल्दी होता है इससे पकी हुई सब्जी। और ये है धनिया के पत्ती का स्टेम, जो हम बर्बाद कर देते हैं। ये थायराइड के लिए फायदेमंद है और ये लहसुन तो हर बीमारी में फायदा करता है, खासकर ब्लड प्रेशर के लिए। दालचीनी का एक टुकड़ा है जो कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। और यहाँ पर हमने एक चमची नमक लिया है, चौथाई टीस्पून लाल मिर्च है और चौथाई हाफ टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर है और उतना ही धनिया पाउडर है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें सब्जी में डालना है और ये दाल वाली एक सब्जी बनेगी, जो कि सूपी टेक्सचर का होगा और जिससे आप रोटी बहुत आसानी से खा लेंगे। और इस सब्जी में हमने प्याज नहीं यूज़ किया है और करना भी नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनती है। और आजकल तो प्याज का दाम आसमान छू रहा है, 120 रुपये के जी है। तो ऐसी स्थिति में ये दाल या सब्जी हमारे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सब्जी हम बहुत आसान ढंग से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कद्दू को हम एक कुकर में डालते हैं। साथ ही जो भी सामान हमने इकट्ठा किया है वो सब इसमें जाने वाला है। साथ में जाएगा धुली हुई दाल और मसाले और कटी हुई पत्तेदार सब्जियाँ। आप अपनी पसंद से इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ हमें इसके गलने के लिए पानी डालना है। बस ये ध्यान करना है कि इतना पानी डालें कि सब्जी गल जाए और बिल्कुल मैश ना हो जाए। ये बराबर बराबर की दाल बनने वाली है, सूखी भी ना रहे, तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएंगे। मैं यहाँ पर इस प्याले से एक प्याला पानी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर डालते हैं एक प्याला पानी। कद्दू में भी काफ़ी पानी होता है तो ये इतना पानी इसमें काफ़ी रहेगा। अब हम इसे गलने देते हैं। दो से तीन सीटी में दाल हमारी गल जाने वाली है। आप अपने हिसाब से इसका पानी एडजस्ट करें और अपने हिसाब से इसे गलने दें। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से गल गई है और आप देख सकते हैं गली भी है और टूटकर बिखरी भी नहीं है। सब्जी भी गल चुकी है तो अब हम तड़का का इंतज़ाम करते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरा डालते हैं, सरसों दाना है, मेथी और लाल मिर्च है। तो इन चीज़ों को चटकने के बाद हम अपनी दाल को बघार लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो हींग भी डाल दें, मगर हींग मैंने अलग से इस्तेमाल किया है। ये हमारा पाउडर मसाला है जिसमें 5 मसाले हैं, साथ में हींग भी है। इस तरह से दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाते रहेंगे। तो देखिए अब ये जो दाल हमने बनाई थी उसके ऊपर ये तड़का डाल देना है। साथ में जाएगा ये मिक्स मसाले वाला पाउडर। तो इसमें हमने अजवाइन, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, ये सब चीज़ें डाली हैं। बेहतरीन दाल सब्जी इससे बनके तैयार होती है और वो भी बगैर प्याज वाली। जब आप खाएंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इसे
सादी चपाती और चावल के साथ सर्व करें, बेहतरीन मज़ा होता है इसका। आप देख सकते हैं, अब इसके ऊपर ढेर सारी धनिया की पत्ती डालें। तो इस तरह से आप इस दाल को बनाएं, खाएं और खिलाएं, और टेस्ट पसंद आए तो अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। जिन लोगों ने पहली बार विजिट किया है वो तो हमें ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।